Good morning, class 4. How are you all? Hope you all are fit and fine. So students, in last class we started diseases and their prevention. Okay? तो इस चैप्टर में बहुत सारे डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे जो कि डेफिशिएंसी डिजीज था. ओके? जो न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो डिजीज होता था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कम्युनिकेबल डिजीज. ओके? एंड इस टॉपिक्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट कॉजेस कम्युनिकेबल डिजीज. द फर्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट कॉजेस कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो उसका कारण क्या होता है, जो कि है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो किस तरह से स्प्रेड होता है. जैसे कि मैंने लास्ट डे बताया था आप लोगों को कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है. अब कुछ तो तरीका होगा ना जाने का, तो किस तरह से जाएगा वो जानेंगे हम लोग. और इसके आगे और जानेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. तो कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसको हम लोग किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. वी हैव लर्न्ड अबाउट सम कॉमन न्यूट्रिशनल डिजीज. कुछ कॉमन न्यूट्रिशनल डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. और न्यूट्रिशनल डिजीज डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये जो न्यूट्रिशनल डिजीज होता है ये कभी भी एक इंसान से दूसरे इंसान के बॉडी में नहीं जाता, क्योंकि जो हम कम खाएंगे, जो न्यूट्रिशन हम कम लेंगे, उसके लिए हमें हम बीमार पड़ेंगे. और अगर आप वो सारे चीज़ें खाते हो तो आपको बिल्कुल बीमारी नहीं होगा, वो बोला है ना. तो इसलिए ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाता. बट देयर आर सर्टेन डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन यहाँ पे कुछ बीमारी ऐसा है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में जा सकता है. सच डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज. तो इस तरह की जो डिजीज है उसको कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज कहा जा सकता है. यू मे हैव नोटिस्ड दैट इफ एनी मेंबर ऑफ अ फैमिली सफर फ्रॉम कोल्ड द अदर मेंबर्स ऑल्सो कैच कोल्ड. तो एक कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आप सब लोग देखे होंगे अपने घर पे, किसी एक का अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो घर का दूसरे मेंबर को भी हो जाता है सर्दी जुकाम, है ना. तो किस तरह से होता है, एक के बॉडी से दूसरे के बॉडी में वो बीमारी चला जा सकता है. इसका मतलब सर्दी जुकाम वाला जो बीमारी है इसको आप कम्युनिकेबल डिजीज कह सकते हैं. सिमिलरली कॉन्जक्टिविटीज विच एन आई डिजीज इजीली स्प्रेड व्हेन समवन लुक्स एट द इन्फेक्टेड पर्सन्स आई. तो कॉन्जक्टिविटीज एक बीमारी है जो कि आंख में होता है. आप लोग कहते हैं आँख उठाए या कुछ ऐसे कहते हैं, है ना, कि वो आँख पूरा लाल लाल हो जाता है. और आप कहते हो कि उसके तरफ देखने से मेरे आँख में भी हो जाएगा. तो ये बीमारी होता भी है एक इंसान को. अगर आँख में ये बीमारी हो गया है, आप अगर उनके करीब से उनको देखने लगेंगे तो आप में भी आ जाएगा. तो कैसे आ सकता है, ये भी एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है. ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज का रीजन क्या है ये हम जानेंगे पहले. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा व्हाट कॉजेस कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय वेरी टीनी ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड माइक्रोब्स और जर्म्स. तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये बहुत ही छोटा छोटा ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है. ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा ऑर्गेनिजम्स जो हम खाली आंखों से नहीं देख सकते, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के कारण ये बीमारी होता है जिसको हम लोग माइक्रोब्स या फिर जर्म्स कहते हैं. दे आर सो टीनी दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई. तो ये इतना छोटा होता है कि हम लोग इसको खाली आंखों से नहीं देख सकते. वी नीड अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम. तो इसको अगर हमें देखना है तो हमें बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत है. तो माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखा जाता है, इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहा जाता है. ओके,
Germs are present everywhere in air, water, soil, food, etc. तो ये जो germs है ये हर जगह पे present है, यहाँ पे भी मौजूद है, आप जहाँ पे बैठे हुए हो वहाँ पे भी मौजूद है वो, ठीक है। वो हर जगह रह सकता है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, आप जो खाना खाते हो उस खाना में भी रहता है। When a germ enters the body of a healthy person, it is harmless. जब एक जर्म आपके बॉडी में जाता है या कोई हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर जाता है तो वो हार्मलेस होता है, यानी कि हम नहीं करता। बट सून इट मल्टीप्लाइज इटसेल्फ थ्रू रिप्रोडक्शन एंड द जर्म्स डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एक जर्म्स अगर आपके बॉडी में चला गया कोई इशू नहीं, आप बिल्कुल अभी जैसे हो, स्वस्थ हो, इसी तरह से आप रहोगे। लेकिन वो जर्म्स अंदर जाके क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर देता है, अपने जैसे बहुत सारे बना लेते हैं। तब सारे के सारे मिलके क्या करते हैं कि आपका जो बॉडी का जो फंक्शन है, हर एक ऑर्गन का जो अलग अलग फंक्शन होता है, उस फंक्शन वो प्रॉपरली नहीं करने देता। माइक्रोब्स आर ऑफ मेनी टाइप्स बट द मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेडिंग जर्म्स आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। तो माइक्रोब्स जो है वो बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारा अलग अलग तरह के माइक्रोब्स होता है, लेकिन मेन जो माइक्रोब्स हमें बीमार करता है वो है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। ओके, तो अब जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में। यू नो दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। तो आपको तो पता है हमारा बॉडी जो है वो बिलियंस ऑफ सेल्स मिलके बना हुआ है, बट बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रोब्स। लेकिन बैक्टीरिया जो है उसके पास बस एक ही सेल है, हमारे पास बिलियंस ऑफ सेल है जिससे हम बने हुए हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया जो होता है उसके पास बस एक ही सेल होता है। दे हैव डिफरेंट शेप, इंड्यूसिंग द शेप ऑफ रॉड्स, स्पिरल्स एंड स्फेयर्स। तो इसका जो शेप है वो अलग अलग तरह का हो सकता है, कोई रॉड शेप का हो सकता है, कोई स्प्रिंकल शेप का हो सकता है, स्फेयर जैसा शेप है उस तरह हो सकता है, ठीक है, अलग अलग शेप का ये हो सकता है। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड, न्यूमोनिया, टिटेंस एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीवी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कुछ बीमारी का नाम मैंने बताया ये बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया गया, इंटर किया, तो ये सारे बीमारी हो सकता है। तो बैक्टीरिया क्या है आपको समझ में आ गया कि वो एक सिंगल सेल होता है, बहुत छोटा होता है, खाली आंखों से इसको हम नहीं देख सकते, और ये बहुत अलग अलग शेप का हो सकता है। और बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है वह बहुत सारे बीमारी होता है, जिसमें टाइफाइड है, निमोनिया है, है ना, टिटनस है, फिर ट्यूबरक्लोसिस है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है वायरसेस। वायरसेस आर टिनियर देन बैक्टीरिया। वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। वी नीड एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप टू सी देम। इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत होता है। तो वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, और ये इतना छोटा होता है कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। वायरसेस डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डज एक्सेप्ट वन व्हेन दे एंटर अ होस्ट बॉडी, दे रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर नंबर। तो वायरस जो है वो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वायरस डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डज। वायरस कोई भी फंक्शन नहीं करता ऐसा जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो करता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह के फंक्शंस करता है, जिस तरह की लाइफ लीड करता है, वायरस ऐसा कुछ नहीं करता सिवाय एक की। वो एक क्या है, एक्सेप्ट वन व्हेन दे एंटर अ होस्ट बॉडी। एक काम वो करता है, कब करता है, जब किसी के शरीर के अंदर वो जाता है, ठीक है। अब क्या करता है, दे रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर नंबर। वो रिप्रोड्यूस करता है और अपने जैसा बहुत सारे बनाता है।
ओके, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स एंड एड्स आर सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। तो यहाँ पे कुछ बीमारी का नाम बताया गया है जो कि वायरस अगर किसी के बॉडी में एंटर करे तो ये बीमारी हो सकता है। आज के डेट में कोरोना वायरस के नाम तो अभी जान ही रहे हो, जिसके चलते अभी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो और आपके हाथ में ये फोन है। तो नेक्स्ट जो माइक्रोब्स है उसका नाम है प्रोटोजोआ। लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आर ऑल्सो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया जैसे सिंगल सेल का होता है, उसी तरह प्रोटोजोआ भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स। तो प्रोटोजोआ में कुछ है जो कि पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब पता है? नहीं पता। व्हिच मींस दैट दे यूज अदर लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल अ पर्सनस बॉडी एज फूड एंड अ प्लेस टू लिव इन। तो पैरासाइट मींस जिसको दूसरे लिविंग थिंग्स की जरूरत पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, वो खुद ब खुद सर्वाइव नहीं कर सकते, उसको दूसरे का मदद चाहिए। यानी कि वो जिसके बॉडी में जाता है, कोई इंसान के बॉडी में अगर वो जाता है तो उसके बॉडी में अपना रहने का जगह बना लेता है और खाना भी वहीं से लेता है। ओके, मैलेरिया एंड डायरिया आर सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो मैलेरिया, डायरिया, ये जो बीमारी है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो माइक्रोब्स है उसका नाम है फंगे। फंगे आर मल्टीसेल। फंगे जो है उसके पास बहुत सारा सेल होता है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये देखने में कुछ प्लांट्स जैसा है। सॉरी, दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स। तो ये अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करता है प्लांट्स से, यानी कि अपना खाने पीने के लिए वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फूड एंड एनिमल्स इन वन एनवायरमेंट। तो ये जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं या तो वो प्लांट से लेते हैं, नहीं तो फूड से लेते हैं, या फिर कोई एनिमल्स को अगर डंप किया जाता है वार्म एनवायरमेंट वहाँ पे बनता है उस जगह से। मशरूम्स आर अ काइंड ऑफ फंगाई। तो मशरूम आप देखे होंगे, मशरूम एक तरह की फंगाई है। स्किन डिजीज लाइक एथलीट्स फुट एंड रिंग वर्म आर कॉज्ड बाय फंगाई। तो स्किन डिजीज होता है जैसे एथलीट्स फुट, उस तरह की रिंग वर्म, ये सारे जो है ये फंगाई के कारण होता है। तो ये था हमारा कॉजेज कम्युनिकेबल डिजीज होने का। कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है मेनली ये चार माइक्रोब्स के कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। तो ये चार के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है किस तरह से स्प्रेड होता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है। देखो यहाँ पे एक मोर टू नो करके दिया हुआ है पेज नंबर 56 में। साइंटिस्ट हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ फंगाई आर कॉल्ड माइक्रोलॉजिस्ट। तो जो साइंटिस्ट फंगाई के बारे में स्टडी करते हैं, उसके लिए जानकारी निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको हम लोग माइक्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, तो आप आगे बढ़ते हैं स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज की तरह। तो कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड कैसे करते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन मेनी वेज, लेट अस लर्न सम ऑफ देम। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये एक इंसान से दूसरे इंसान के बॉडी में बहुत सारे तरीके से जा सकते हैं, तो उसमें से कुछ हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज थ्रू एयर, हवा के थ्रू। व्हेन अ सिक पर्सन स्नीज, कफ और स्पिट्स, द जर्म्स फ्रॉम हिज और हर बॉडी आर रिलीज्ड इन द एयर। जब कोई इंसान बीमार रहते हैं, वो अगर छींकता है, खांसता है, थूकता है कहीं पे, तो उनके बॉडी से वो जर्म्स निकल के हवा में मिल जाता है। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स दैट एयर, द जर्म्स एंटर हिज और हर बॉडी। तो जब कोई हेल्दी पर्सन यानी कि स्वस्थ इंसान भी अगर उस हवा से सांस लिया तो उनके बॉडी में भी ये जर्म्स चला जाता है। द कॉमन कोल्ड
मिसल्स एंड फ्लू स्प्रेड इन दिस वे। तो जो कॉमन कोल्ड होता है, नॉर्मल जो सर्दी जुकाम होता है, थोड़ी देर पहले जिसको मैंने बताया कि आपके घर में किसी एक का सर्दी जुकाम अगर होते हैं तो दूसरे को भी हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि आप छींक देते हैं उनके सामने या खांस देते हैं तो आप में अगर वो माइक्रोब्स है तो वो दूसरे के बॉडी में भी चला जाता है। इसलिए हमेशा आप लोगों को बोला जाता है जब आप लोग स्नीजिंग करते हैं, फिर खांसते हैं, तो हैंकी से फेस को कवर करने के लिए, ताकि वो जर्म्स ना निकले, हवा में ना मिल जाए, है ना। तो आगे से इस चीज पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। तो अगर कोई फूड में कोई या वाटर में अगर कोई जर्म्स है और उसको अगर हम लोग इंटेक करते हैं, खा लेते हैं, तो हमें भी हो सकता है। देखो, द फूड कुक्ड इन अनहाइजीनिक मैनर इन डर्टी यूटेंसिल्स गेट्स कॉन्टेमिनेटेड। अगर खाना बनाया जाता है कोई अनहाइजीनिक तरीके से, या फिर कोई बर्तन अगर बिना धोए हुए उसमें आप खाना बना लेते हो, तो वो जो फूड है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, यानी कि उसमें जर्म्स आ जाता है। अनकवर्ड फूड एंड कट फूड सोल्ड एट रोड साइड फूड स्टॉल्स आर एक्सपोज्ड टू जर्म्स। जो रास्ते के साइड में जो शॉप वगैरह होता है, छोटा मोटा दुकान जिसमें खाना वगैरह मिलता है या फ्रूट, कटा हुआ फ्रूट मिलता है, वो वैसे ही खुला रहता है, तो उसमें जर्म्स आके कभी भी बैठ सकता है। इस तरह के फूड खाना भी बहुत ही हानिकारक होता है। सिमिलरली, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस इल। अगर डर्टी वाटर हम पीते हैं, अगर घर पे पानी, पीने वाला पानी अगर साफ ना हो, तो भी आप बीमार पड़ सकते हो। डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया स्प्रेड इन दिस वे। तो कुछ डिजीज जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया, ये सारे इस तरीके से ही फैलता है। देखो, यहाँ पे डिजीज का स्पेलिंग गलत है, शायद आपके बुक्स में भी, तो उसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट जो है, उसके पहले मैं कह देता हूँ कि रोड साइड में जो खाना आप लोग हमेशा खाने के लिए कोशिश करते हैं, मम्मी पापा किसी तरह निकालते हैं तो उन लोगों को बोलते हैं दिलाइए दिलाइए, वो मना करते हैं आपको, उसका रीज़न यही है। जो ओपन शॉप से जो आप खाते हैं वो खाना अनहाइजीनिक होता है, वो खाने से भी आप बीमार पड़ सकते हो। अगर कुछ रास्ते में मिल रहा है जो आपको पसंद हो, आप मम्मी को बोल के घर पे भी बनवा सकते हैं। ओके, तो थर्ड जो है, थ्रू कॉन्टैक्ट। आप कॉन्टैक्ट क्या, फोन से कॉन्टैक्ट करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बीमार आदमी के साथ बात करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, नहीं। मेनी डिजीज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सिक पर्सन। तो कुछ बीमारी कैसे फैलता है, जब कोई बीमार आदमी के साथ आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हो तो आप में आ सकते हैं। आप किस तरह कॉन्टैक्ट, वेन यू टच द पेशेंट यू मे कैच द डिजीज डायरेक्टली। अगर कोई बीमार है उनको अगर आप जाकर टच कर दिए तो हो सकता है कि आप भी बीमार पड़ जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बीमार पड़ गया है तो उनका मदद नहीं करना है, ठीक है, सोच समझ के उनको टच करना है। अगर कोई माइक्रोब्स के कारण उनको बीमारी हुआ है तो हम लोग दूर से उनको हेल्प करेंगे, और अगर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो वो तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, तो उसके लिए तो हम लोग उनको टच करके भी हेल्प कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स टचिंग द टॉवल, कॉम, हैंडकरचीफ एटसेट्रा ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल। और जो डायरेक्ट टच, मतलब आप समझ गए कि डायरेक्टली स्प्रेड किस तरह से होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स आप जगह टच कर दिए, कुछ देने के लिए गए उनको तो छू लिए उनको, तो इस तरह से हो सकता है। और इनडायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट, इसका मतलब यह होता है कि वो कोई टॉवल यूज कर लिए, उस टॉवल को कहीं पे छोड़ दिए तो आप जाकर उस टॉवल को यूज कर रहे हो, तो उनके अंदर अगर जर्म्स है तो वो आ गया किसमें, टॉवल में, टॉवल आप लेके पोंछ रहे हो तो वो आ गया आप में। इस तरह हैंकरचीफ, फिर वो कॉम्ब जिसको कहते हैं, ये सारे चीजें से फैलता है। तो इस रिलेटेड जो बीमारी है क्या क्या हो सकता है, चिकन पॉक्स, मिसल्स, रिंग वर्म एंड होपिंग कर्व स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। ओके,
नेक्स्ट जो है हमारा थ्रू इंसेक्ट्स। सम इंसेक्ट्स आर कैरियर्स ऑफ जर्म्स, कुछ कीड़े मकोड़े से भी फैलता है, कुछ कीड़ा मकोड़ा ऐसा होता है जो कि जर्म्स को फैलाता है। नंबर वन पे है हाउस फ्लाइज, ऑफन सीट ऑन गार्बेज इन सर्च ऑफ फूड। हाउस फ्लाई जो होता है वो खाना ढूंढते हुए हमेशा गार्बेज के ऊपर जाके ही बैठता है। जर्म्स स्टिक ऑन देयर हेयरी लेग्स, उसका जो हेयरी लेग्स होता है, जो पैर होता है, उसमें जर्म्स चिपक जाता है। व्हेन दे सिट ऑन अनकवर्ड फूड, फूड का स्पेलिंग गलत है, एफ ओ आर डी दिया हुआ है, एफ डब्ल्यू डी फूड हो गया, द जर्म्स आर ट्रांसफर्ड टू द फूड। तो पहले गार्बेज के ऊपर बैठा, अपने पैर पे जर्म्स को चिपका के लाया, आप खाना को खुला छोड़ दिए और उसके ऊपर आके बैठ गया, तो पैर में जो जर्म्स लाया था वो कहाँ गया, उस खाने में, और आप फिर उस खाने को मजा से खाते हो, तो मजा से जब खाते हो तो वो जर्म्स कहाँ गया, आपके बॉडी के अंदर, तो बीमार कौन होगा, आप होंगे। तो इसलिए अगर खाना खुला हुआ रहे तो उस खाने को नहीं खाना है। सम इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लेस सक ब्लड, तो कुछ इंसेक्ट होता है जो कि ब्लड सक करता है, जैसे कि मॉस्किटो। दे स्प्रेड डिजीज व्हेन दे बाइट अ हेल्दी पर्सन आफ्टर बीटिंग अ सिक पर्सन, तो ये भी बीमारी को फैलाता है मॉस्किटोज। किस तरह से, पहले कोई बीमार है उनके बॉडी में बैठे, उनका खून चूसने के लिए, खून चूस के जब आपके बॉडी में बैठेंगे तो आपको भी बीमारी देखे जाएंगे। मलेरिया, डेंगू एंड प्लेग यू स्प्रेड इन दिस वे, तो ये जो कुछ बीमारी है ये इस इंसेक्ट के थ्रू फैलता है। ओके, थ्रू डैमेज्ड स्किन। अब डैमेज्ड स्किन के साथ किस तरह से फैल सकता है, जर्म्स कैन नॉट एंटर हेल्दी स्किन इजीली। अगर आपका स्किन हेल्दी हो, ओके, स्किन अगर सही सलामत हो तो वहां से जर्म्स एंटर नहीं कर सकता, बट इफ द स्किन हैज अ कट, जर्म्स एंटर इट इजीली। लेकिन आपका स्किन अगर कहीं पे कट जाता है, कहीं पे घाव होता है, तो वहां से जर्म्स बहुत आसानी से एंटर कर सकता है आपके बॉडी में। टेटनस, एंथ्रैक्स, इट इज स्प्रेड इन दिस वे, तो ये जो कुछ बीमारी का नाम बताया जा रहा है ये इस तरह से एक मतलब आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। सो नेवर लीव अ कट और वुंड ओपन, तो इसलिए कहीं पे घाव होता है, कट जाता है, तो उसको कवर कर लिया जाता है, उसको बांध लिया जाता है, इसका रीजन यही है कि वहाँ से जर्म्स इंटर ना कर ले। ऑलवेज कवर इट विद अ क्लीन बैंडेज और मेडिकेट एडहेसिव। ओके, तो इसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए साफ सुथरा कोई बैंडेज से, ये नहीं कि कोई कपड़ा, पुराना कपड़ा उपड़ा फाड़ के उसको बांध लिए। साफ बैंडेज खरीदने को मिलता है, छोटा मोटा घाव है तो बैंडेज मिलता है, तो ये सारे चीज से आपको उसको कवर करना है। नेक्स्ट जो तरीके हैं फैलने का, थ्रू इन्फेक्टेड मेडिकल इक्विपमेंट। इन्फेक्टेड मेडिकल इक्विपमेंट, sometimes medical equipment such as thermometers and syringes may become the carriers of communicable disease. तो कभी कभार कुछ medical equipment जैसे कि thermometer, कोई एक बीमार इंसान को आप दिए, उनसे लेके फिर दूसरे इंसान का टेस्ट करने आप जा रहे हो, तो उसके बॉडी में अगर जर्म्स है तो वो जर्म्स थर्मोमीटर के साथ किसके बॉडी में आ जाएगा, ये जो पर्सन को आप बाद में दे रहे हो, ठीक है। इस तरह सीरीज अगर किसी के बॉडी में दिया गया है इंजेक्शन, फिर वही सीरीज दूसरे के बॉडी में अगर दिया जाएगा तो हो सकता है वो जर्म्स उसके बॉडी से इनके बॉडी में आ जाए, किससे, सीरीज से। ओके, तो इस तरह जो इक्विपमेंट है वो हमें सिंगल यूज करना चाहिए कुछ कुछ, तो कुछ कुछ यूज करने के पहले अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। इफ अ थर्मोमीटर विच वॉज यूज अर्लियर बाई एन इन्फेक्टेड पर्सन इज यूज बाई अ हेल्दी पर्सन विदाउट वॉशिंग इट विद अ significant, he or she may catch the disease. Similarly, using a common syringe for many people may spread disease. तो इसलिए थर्मोमीटर अगर कोई हेल्दी पर्सन को बाद में यूज करा रहे हो, पहले अगर कोई बीमार पर्सन को यूज करा रहे हो, बिना वॉश किए हुए मत कराना है ऐसा, ओके, वॉश करके यूज करो। लेकिन ये सिरिंज जो है इसको तो वन टाइम ही यूज किया जाता है, दोबारा किसी के बॉडी में देना ही नहीं चाहिए।
ओके तो ये था कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होने का तरीका. नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बीमार होने के बाद किसका ट्रीटमेंट कराया जाए या बीमारी को ही रोक लिया जाए, कौन अच्छा है? बीमार होने के पहले रोक लेना. यस, हाउ कैन वी प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग. तो ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है किसी के बॉडी में चला जाए उसके बाद उसको हम लोग ट्रीटमेंट कराए, इससे अच्छा है कि किसी के बॉडी में जाने से पहले हम उसको रोक लें. तो किस तरह से रोक सकते हैं? द गोल्डन रूल इज मेंटेन क्लीनलीनेस, नॉट ओनली योर पर्सनल क्लीनलीनेस बट ऑल्सो ऑफ योर सराउंडिंग्स. तो इसका सबसे अच्छा रूल्स जो है जिसको आप फॉलो करोगे तो कभी नहीं होगा कम्युनिकेबल डिजीज. वो क्या है? साफ सुथरा रहना. साफ सुथरा में खुद ही सिर्फ नहा लिए रेगुलर तो साफ सुथरा नहीं हो गया, आपके साथ साथ आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आपके घर साफ करना चाहिए, आपके घर के आसपास का जो एरिया है वो साफ सुथरा रहना चाहिए. ओके, वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज बाई फॉलोइंग सम बेसिक गाइडलाइंस. तो यहाँ पे कुछ बेसिक गाइडलाइंस बताया जाएगा जिसके थ्रू भी आप कम्युनिकेबल डिजीज को रोक सकते हो. फर्स्ट वन, कवर योर नोज एंड माउथ विद अ हैंडकरचीफ व्हेनेवर यू स्नीज और कॉफ. जब भी आप छींक रहे हो या खांस रहे हो तो तुरंत हैंकी से अपना फेस कवर कर लेना चाहिए. मेक इट अ हैबिट, इसको एक हैबिट बना लीजिए कि कभी भी छींक आए अगर आपके पास हैंकी ना रहे तो आप इस तरह से छींके. ओके, इफ समबडी एल्स डज नॉट फॉलो दिस रूल रिमाइंड हिम और हर. अगर आपके आसपास में कोई छींक रहा है या खांस रहा है, वो अगर हैंडकरचीफ का यूज नहीं कर रहा है तो उनको आप बताइए इसका यूज करना है, हो सकता है कि वो भूल गए हो. मेक श्योर दैट योर फूड इज कुक्ड हाइजीनिकली. ये ध्यान में रखना है कि आपके घर पे जो खाना बन रहा है वो हाइजीनिकली बन रहा है, उसमें प्रॉपर तरीके से सारे बर्तन साफ सुथरा हो, वेजिटेबल अच्छे से धो लिया जाए बनाने के पहले, मतलब सारे चीज जो हाइजेनिक खाना बनाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाए. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर प्रॉपरली वॉश्ड. देखो वेजिटेबल फ्रूट को पहले अच्छे से धो लेने हैं. यूटेंसिल्स आर क्लीन, जो बर्तन है वो साफ होना चाहिए. एंड कुक्ड फूड इज प्रॉपरली कवर्ड, जो बना हुआ खाना है वो अच्छे से कवर करके रखना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम रोड साइड फूड स्टॉल्स. रास्ते के साइड में जो फूड स्टॉल लगा हुआ होता है, छोटा मोटा फूड स्टॉल जिसमें कवर करके नहीं रखते हैं खाने को, वहाँ से खाना नहीं खाने हैं. बट इफ़ यू हैव टू ईट फ्रॉम देम मेक श्योर दैट द फूड आइटम्स आर प्रॉपरली कवर्ड. और अगर ऐसा कोई मुसीबत में आप आ गए कि रास्ते के साइड से आपको खाना खाना ही पड़ेगा तो आप ऐसा जगह चुनिए या ऐसे खाना चुनिए जो अच्छे से कवर किया हो. देयर इज नो गार्बेज नियर द स्टॉल, द वेंडर इज वेरी क्लीन क्लॉथ्स एंड ग्लोव्स. तो क्या क्या आपको देखना है कि उसके स्टॉल के आसपास में कहीं पे गार्बेज इकट्ठा ना हुआ हो, यानी कि कचरा वगैरह कहीं पे इकट्ठा ना हुआ हो. और वेंडर जो है वो अपना जो कपड़ा पहने हुए है, दुकानदार जो है वो जो कपड़ा पहना हुआ है वो साफ सुथरा हो और हाथ में ग्लोव्स वगैरह पहना हुआ हो. नेक्स्ट पॉइंट जो है, टैप वाटर इज ऑफन contaminated, so use a water filter or boil water. जो tap water है वो basically contaminated होता है, वो पानी जो है बहुत अच्छा नहीं होता, तो इसलिए घर पे अगर एक filter के घर पे है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर पापा को request कर सकते हैं filter लगाने के लिए. Otherwise पानी को उबाल के पिया लीजिए. Okay? Next point है, avoid meeting a person suffering from a communicable disease. कोई इंसान अगर कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र कर रहा है, यानी कि कोई इंसान को अगर कम्युनिकेबल डिजीज है तो उनसे मत मिलिए. हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स आर नॉट द प्लेस फॉर हेल्दी चिल्ड्रेन टू विजिट. घर पे अगर कोई बड़े बीमार पड़ते हैं तो उनको हॉस्पिटल में ले जाता है और आप लोग उस टाइम क्या करते हैं, मुझे भी जाना है हॉस्पिटल. तो बच्चों का घूमने का जगह नहीं है हॉस्पिटल, ये कोई पार्क नहीं है, यहाँ पे एक बच्चे जाते हैं तो अक्सर बीमार पड़ते हैं वो, तो इसलिए आप लोगों को हॉस्पिटल में जाना सही नहीं है आप अगर बीमार नहीं हो तो. सो अवॉइड गोइंग टू सच प्लेस अनलेस इट इज एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल. तो उस
उस जगह पे मत जाना जब तक बिना जाके काम हो सकता है। कभी अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो उस टाइम तो कुछ नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, द क्लोथ्स, टॉवल एंड अदर पर्सनल आइटम्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट रूम। अगर घर पे कोई बीमार पड़े हुए हैं तो उनका जो पर्सनल यूज का चीजें हैं, जैसे कि उनका यूज किया हुआ टॉवल, कपड़ा, फिर वो कंघी, ये सारी चीज जो पर्सनल यूज करते हैं वो सारे एक सेपरेट रूम में रखना चाहिए और आप लोग उसको टच नहीं करने हैं। अवे फ्रॉम द अदर टू स्टॉप द जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग, तो दूसरे से उसको अलग रखने हैं ताकि ये जर्म्स जो है स्प्रेड ना कर सके। टू स्टे अवे फ्रॉम मॉस्किटोज, वायर नेट्स शुड बी फिक्स्ड एट द डोर्स एंड विंडोज, यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। तो मच्छर अगर काटता है तो उसके थ्रू भी बीमारी हो सकता है, तो मॉस्किटो नेट जो है उसको लगा के सो सकते हो खिड़की, फिर डोर पे आप वो जो वायर आता है, ठीक है, वायर नेट्स जो आता है उसको लगा सकते हो, मॉस्किटो घर पे ना आए इसलिए, ठीक है, मॉस्किटो बाइट से आपको बचने हैं। अ डर्टी हाउस अट्रैक्ट्स इंसेक्ट, घर अगर साफ सुथरा ना रहे तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है वो गंदगी। क्लीनिंग फ्लोर्स एंड बाथरूम्स विद डिसइंफेक्टेंट्स लाइक फिनाइल किल्स जर्म्स। तो फ्लोर्स, फिर वॉशरूम जो है, ये सारे आपको क्लीन करने हैं अच्छे चीज़ों से, जैसे कि फिनाइल है, फिनाइल क्या करता है जर्म्स को मार देता है, इसलिए फिनाइल से साफ करना चाहिए। द ड्रेन इन द बाथरूम एंड द किचन शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो बाथरूम का, किचन का जो ड्रेन है उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। ओके, नेवर अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एनीवेयर नियर योर हाउस एज इट इज एन आइडियल ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज। घर के आसपास में कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, ठीक है, पानी इकट्ठा है और अगर वो सरफेस ओपन हो तो वहाँ पे मॉस्किटो रिप्रोड्यूस करता है, अंडा देती है उस पानी में और फिर वहाँ से नए नए मच्छर जन्म लेता है। इफ देयर इज स्टैग्नेंट वाटर नियर योर हाउस पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केरोसिन और पेट्रोल इन इट। अगर आपके घर के आसपास में कहीं पे मच्छर के लिए खोला पानी किसी ने छोड़ दिया या कई जगह पानी अगर इकट्ठा हो रखा है तो उसके ऊपर आप केरोसिन या पेट्रोल थोड़ा सा डाल सकते हो, ठीक है, इससे मच्छर नहीं आता है वहाँ पे। नेवर मूव बेयर फुट एनी वेयर, खाली पैर में, नंगा पैर में कहीं पे भी नहीं निकल के जाने हैं। आप लोग घर से निकलते हो, स्कूल आते वक्त तो शूज़ पहन के आते हो, लेकिन घर पे जब खेलने कूदने जाते हो शूज़ खोल के चले जाते हो, चप्पल भी नहीं रहता है पैर में, ऐसे नहीं जाना है। Never forget to wear shoes while going to a park, ground or any other open area. जब भी खुले कहीं जगह पे जा रहे हो तो शूज पहनना मत भूलना, जैसे कि अगर आप पार्क में जाते हो, ग्राउंड में जाते हो, कोई ओपन एरिया में जाते हो तो ऑब्वियसली पैर में शूज होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ऑलवेज वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक लिक्विड लाइक डेटॉल बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट। तो कभी भी अगर थर्मोमीटर यूज करना होता है आपको या आपके घर के दूसरे किसी को, तो जरूर एंटीसेप्टिक से उसको धो लेना है, यूज करने के पहले भी बाद में भी। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एक लिक्विड होता है, जैसे कि डेटॉल है, सैवलॉन है, ये सारे चीजों से धो लेना होता है। डिस्पोजेबल सिरिंज आर बेस्ट टू यूज, तो डिस्पोजेबल सिरिंज जो है वो यूज करना ज्यादा अच्छा है। सच सिरिंज आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर अ सिंगल यूज, तो ये जो सिरिंज होता है ये एक बार यूज करने से ही खराब हो जाता है, दूसरे बार यूज कर ही नहीं सकते इसको, तो इस तरह की सिरिंज यूज करना चाहिए। ओके, तो ये सारे जो तरीके हैं इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कम्युनिकेबल डिजीज नहीं हो पाएगा। ओके, यानी कि आप स्वस्थ रह पाओगे। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें आप लोग क्या क्या सीखे, एक तो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जानकारी मिला आपको, फिर कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये किसके कारण होता है, यानी कि इसके पीछे कौन है पता चला, कि इसके पीछे चार
डेंजरस गुंडे हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा प्रोटोजोआ एंड द लास्ट वन इज फंगे। देन स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, हाउ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, तो इसमें आप सीखे हैं कि वो एयर से भी स्प्रेड हो सकता है, फूड से, वाटर से, बाय कॉन्टैक्ट, टच करने से हो सकता है, किसी का यूज किया हुआ चीजें आप यूज करो तो हो सकता है ना। देन द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सीखे हैं, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज को किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। सो नाउ यू हैव टू राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर एंड इट्स मीनिंग इन योर फेयर कॉपी, ओके। एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट डोंट हेजिटेट, ओके, आस्क मी।